तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है दोस्तों कि अर्नब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कैसे कर लिया है? डायरेक्टली नहीं, ये इनडायरेक्टली हुआ है जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अर्नब की चैट को लेके कुछ बयानबाजी की, भारत को घेरने की कोशिश की, तो अर्नब से रुका नहीं गया। अर्नब ने एक बहुत ही सटीक स्टेप लिया हुआ था कि वो इन चीज़ों पे बिल्कुल चुप था, कोई भी उसने बयानबाजी नहीं की थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया, अर्नब को जैसे डूबते को तिनका सहारा लगता है, वैसे ही उसको इमरान खान सहारा लगा और अर्नब फूट पड़ा। अपने चैनल पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ भी उसे मौका मिला उसने बयान जारी किए और उसने आँख बंद करके कह दिया कि ये पाकिस्तान के लगाए हुए इल्ज़ाम हैं, पाकिस्तान इस चीज़ को यूज कर रहा है, कांग्रेस इंक्वायरी की कह रही है तो वो भी देशद्रोही हैं, या फिर कोई और इंडिविजुअल मेरे जैसा या आप जैसा इसकी इंक्वायरी के लिए बात कर रहा है तो वो भी देशद्रोही है। लेकिन इस सब के बीच में अर्नब ये भूल गया कि बात ही बातों में वो ये भी कबूल करता जा रहा है कि वो चैट जो लीक हुई है वो रियल है, वो फेक नहीं है। इस पर मोहर खुद अर्नब ने लगाई है। अब इस बात में कहीं कोई संशय नहीं रह जाता है कि वो चैट रियल थी। इस पर मेरे ख्याल से तो कोई इंक्वायरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्नब ने खुद कबूल कर लिया है। अर्नब अपने आप को उन चीज़ों पे डिफेंड कर रहा है ये कह के कि हर देशभक्त बदले की मांग कर रहा था। अर्नब ने 5 सवाल भी पूछे, उन सवालों के जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। लेकिन अभी की खबर ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अर्नब पे एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अर्नब पे ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट लग सकता है, जिसके अंडर 14 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। अब बात आती है ये ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट है क्या। ये दरअसल 1923 में अंग्रेजों के ज़माने में लगाया गया था, जो आज़ादी के बाद भी कंटिन्यू रखा गया। इसमें सेना से जुड़ी या कोई अन्य ऐसी जो गोपनीय जानकारी है वो अगर आप लीक करते हैं तो आपके ऊपर ये ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा सकता है, केस चल सकता है। ऐसे एक्ट और भी कई देशों में लागू हैं, जैसे यूके में, यूएसए में, कनाडा ने भी एक ऐसा ही एक्ट लागू किया है, सिंगापुर जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये लागू है। म्यांमार में भी ये लागू है। म्यांमार में 2018 में दो लोगों पे, जो जर्नलिस्ट थे, उन पे ये एक्ट लगा के उन्होंने 7-7 साल की सज़ा सुनाई। ऐसा इंडिया में भी हो सकता है। इस लॉ के अंडर जासूसी करना, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करना, यूनिफॉर्म्स का अनऑफिशियल यूज करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है। अब देखना ये होगा अर्नब पे ये एक्ट लगता है या नहीं, और लगता है तो कितनी सज़ा होती है। मेरा प्रेडिक्शन फिर यही कहता है उस पर नहीं लगेगा। अगर मुंबई कोर्ट उस पर लगाएगा भी, मुंबई पुलिस कोशिश करेगी भी, तो सेंटर से किसी ना किसी तरह अर्नब को बचा लिया जाएगा। लेकिन इस सब में ये देखना ज़रूरी होगा और लाजमी होगा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कितना गिरती है एक गिरे हुए आदमी को बचाने के लिए।